आप कैच दी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचडी। केजीएमयू कर्मचारी परिषद का जहां चुनाव हुआ तो वहीं कई लोग इसमें विजय भी हुए। जहां उपाध्यक्ष पद के दावेदार थे, अभी उन्हें से जानेंगे कि किस तरह से कर्मचारी परिषद की लड़ाई, जो लंबित लड़ाइयां हैं, जो लंबित मांगे हैं, उनको लड़ने वाले हैं। सोनू जी क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत बधाई। और क्या कहेंगे जो लंबित लड़ाइयां हैं कर्मचारियों की, उसको किस तरह से आगे लड़ने वाले? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के तमाम हमारे जो सम्मानित कर्मचारी है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना प्यार, इतना स्नेह हमको दिया है। और इसी तरीके से हमको विश्वास, जिस तरीके से उन्होंने हमारे पर विश्वास जताया है, इनके विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। और जो भी काम कर्मचारी का होगा, वो काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर स्तर पर जा करके इनका काम हम कराएंगे। संयुक्त मंत्री के बाद आज उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से निभाएंगे? जिस तरीके से पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन से, निस्वार्थ जैसे सेवा करते आए हैं और वैसे ही सेवा करते रहेंगे। जिन्होंने मत देकर आपको चुना, उनके बारे में क्या कहना? जिन्होंने चुना है, जिन्होंने नहीं चुना है, उनके लिए भी यही है कि जो आएगा उसका काम हम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज उन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह दिया है। उपाध्यक्ष जहाँ सोनू वाल्मीकि जी से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से केजीएमयू कर्मचारी परिषद संघ की जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करेंगे। कुमार वाल्मीकि है और मैं वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सेवक हूँ। और कर्मचारियों के हित के लिए 1971 से मैं लड़ाई लड़ता रहा। और इस बीच में हमारे छोटे भाई बच्चे जो हैं, ये समाज के लिए और कर्मचारियों के लिए अपनी सेवा दे रहे थे। आज इसका फल है तो बहुमत से जीते हैं और हम आशा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे भाई जीते हुए हमारे समाज का, हमारे कर्मचारियों का भला करेंगे, उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। आपको उम्मीद है कि आपके भाई पूरी, मतलब बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये 3 बार जीत चुका है और इसका कारण यही है कि ये कर्मचारियों का काम करता है और उनके हितों की लड़ाई लड़ता है, लड़ता रहेगा और लड़ता रहेगा भविष्य में। हमारा आशीर्वाद इसके साथ। जी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। सर क्या कहेंगे जिस तरह से विजय मिली है केजीएमयू कर्मचारी परिषद के इस चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर, अपने परिचय के साथ बताएं किस तरह से लड़ाई लड़ने वाले हैं? हम एक परिवार में रहते हैं, चिकित्सा विश्वविद्यालय एक परिवार है हमारा, कर्मचारी भाई बंधुओं का। हम एक साथ मिल के, हमारे भाई सोनू भाई भी हमारे साथ, एक प्रिया दीदी भी है, प्रदीप भाई भी हमारे साथ है। हम जितने भी कर्मचारी परिषद में जितने भी चुनके पदाधिकारी आए हैं वो सब मिल के यहाँ कैडर की समस्या जो है, पीजीआई के समान जो नहीं हुआ है, कैडर शिक्षा में उस पर काम करेंगे।